संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश में बैन है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फिल्म को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने पद्मावती को लेकर पहली बार बयान दिया है। संसदीय कमेटी में फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली की पेशी के बीच आडवाणी ने कहा, भारत में फिल्म की स्क्रीनिंग हो सकती है या नहीं, इसका अंतिम फैसला सेंसर बोर्ड को करने देना चाहिए। बता दें कि गुरुवार को फिल्म पद्मावती विवाद पर भंसाली और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी संसद की सूचना और तकनीकी कमेटी के सामने पेश हुए। 30 सदस्यीय इस पैनल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे, जहां उन्होंने फिल्म के पक्ष में अपनी राय जाहिर की। गौरतलब है कि दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टार फिल्म पद्मावती की रिलीज डाल दी गई है। करणी सेना नामक एक संस्था फिल्म का विरोध कर रही है। वहीं सेंसर बोर्ड का भी कहना है कि फिल्म को पास करने में वक्त लगेगा, क्योंकि उन्हें इस विषय में इतिहासकारों की राय लेनी होगी।